चले पैर के ऊपर पैर नहीं फाइनली वी आर इन कुफरी और पीछे देखो नजारा बर्फ ही बर्फ है। तो अभी हमें मम्मी यहाँ पे वेट करेगी ये रही और हम लोग नीचे चलेंगे एंजॉय करना है तो एंजॉय करो। गाड़ी यहाँ से भी सरकने वाले हैं देखते हैं गाड़ी बोरा स्लाइड। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे स्लाइड करेंगे चले चलो यस ये दीदी पीछे छूट गई। हाँ ठीक है चलो चलो धक्का धक्का तो धक्का धक्का ये चलो अब यहाँ से तो एक और स्लाइड पे बहुत मजा आ रहा है गाइस। अब दीदी आएगी करो स्लाइड पैर ऊपर अब डैडी आएगी डैडी ये देखो ये वाली भी चलेंगे अभी इतनी लंबी तो गई नीचे तक। अब चलो एक और स्लाइड बैठो पीछे डैडी नहीं आएंगे नहीं। आ जाओ आ जाओ बहुत मजा आ रहा है। और डैडी कितने ऊपर जा रहे हैं डैडी पूरा लेट गए आइए उठिए थोड़ा आगे से उठिए अटक गए डैडी डैडी को बर्फ मारो बर्फ नहीं नहीं रुक जाओ बता दो तो रुक जाओ बहुत मजा आया अच्छी कटी की डैडी उतर चले डैडी लगेगा सबके में अभी तो आइए गाइस बहुत मजा आ रहा है और डैडी साथ आए तो और मजा आ रहा है। मम्मी थोड़ा डर रही है बढ़िया था। देखो अभी दीदी वहां पे खड़ी है ये रही दिख रही है अब दीदी भी करेगी तो गाइस डैडी और दीदी आ रहे हैं अब देखते हैं कैसा एक्सप्रेशन रहेगा इन लोगों का। डैडी भी एकदम डेयरिंग निकले यार ये लोग तो घूमते ही जा रहे हैं कैसा था मजा आया डैडी बहुत अच्छा लगा। हाँ नाले कोई नाले में भी जा सकता है यस मैं चढ़ गया यहाँ से बताओ यहाँ पे किसी से लिया है कि मम्मी को भी लेके आएंगे इस बार
हाँ बट यहाँ पे आके बरसात खेलेंगे मम्मी के साथ। आओ इधर मार्केट से आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, लाओ ट्यूब से। चलोगे मेरे साथ? चलोगे ट्यूब से मेरे साथ? ट्यूब से मम्मी एकदम डर नहीं है, बता रहे ना कुछ भी होगा ना बाबू को पकड़ लेना। मैं एकदम आराम से बस बैठी रहना चाहती हूँ। वाला बस ये देखो दीदी क्या कर रही है, फ्रेश बर्फ। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ट्राई करूंगा। अब मेरे पास अमन कर रहा है ये। ये इंपोर्ट हो रही है बर्फ, यहाँ फ्रेश बर्फ है यहाँ से। इतना ज्यादा नहीं टूटेगा माँ, नहीं टूटेगा। ये देखो गाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैंगो लग रहा है आइसक्रीम। बहुत अच्छी जगह है ये। देखो इसको तो कुछ ज्यादा पसंद आ गया है, करते पीते जा रही है, स्लाइस ही पी गई पूरा। इस पे हम लोग बनाने वाले हैं अपना पोस्ट। एक दो बस हो गया। यारी मेरी निशानी अब दीदी बना, हाँ अब दीदी बनाएगी। दो बनाओ। देखो हम दोनों निशानी हो गई, ये मेरी ये दीदी की। उठ जाओ, ये दीदी ये मैं। अब देखो मम्मी डैडी वहां खड़े। चलो उतरो, पहले मैं उतर जाऊं, मैं उतर जाऊं। तो अब दीदी उतरेगी, मैं तो उतर गया। ओ यार मम्मी डैडी ने कितनी मस्त मस्त फोटो खिंचवाई है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे दो तीन फोटो दे दूंगा। मम्मी की फोटो भी खींचो यार मम्मी डैडी के साथ। मैं दो तीन फोटो इधर दे दूंगा, बाकी सारी फोटो इंस्टाग्राम पे मिलेगी। तुम खुश हो ना मम्मी? घोड़े पे डर तो नहीं लग रहा? अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, अब दीदी की डैडी की फोटो खींचेंगे। तो भाई हमने खेल लिया है और अब हम करेंगे यहाँ पे अपने पैसे बर्बाद, 10 वाली मैगी 50 में खरीदेंगे और खाएंगे। यहाँ बर्फ पे बैठ के विष्णु पोज कराने के चक्कर में नीचे तक घुस गई है बर्फ पूरे अंदर तक। ये नहीं, नहीं, डैडी बचाएगी। ये देखो क्या कर दिया इसका मैंने।
काफी अच्छा डांस कर लिया, मैंने भी ट्राई किया, बाकी हाथ एकदम सुन्न हो गए। हाँ इस रबड़ बूट में ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और मम्मी तो एकदम पूरा पैक्ड है। हाँ मम्मी को बहुत ठंड लग रही है। खेल लो गाइस, ये लो। मेरा ओए मेरा फोन खराब हो जाएगा। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी चलते हैं गाड़ी में, अभी तो हॉर्स राइडिंग करनी होगी नीचे उतरने के लिए, और फिर गाड़ी में चल के चलेंगे। और आज ही हम लोग की बस भी है दिल्ली के लिए, और हम लोग कितने गोरे लग रहे गाइस, मैं यहीं पर रह जाऊँ क्या, इतना गोरा गोरा लग रहा हूँ, जल्दी शादी हो जाएगी क्योंकि बहुत मजा आ रहा है गाइस बहुत। हाँ गाइस एक सस्पेंस है आने वाले ब्लॉग, आगे वाले ब्लॉग पता चलेगा, शादी से रिलेटेड है ठीक है। क्योंकि मैगी वाली रील बनाना बंद करो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैगी है, देखो ये भी मैगी, इधर भी मैगी, सिर्फ तरफ मैगी मैगी है, तो ये बंद करो, मैगी का अलावा कुछ और मिलता ही नहीं है यहाँ पे। अब मम्मी जितना डर रही थी, और अब सबसे आगे मम्मी ही चल रही है, देखना हम लोग नीचे आ गए हैं थोड़े से, और इधर मम्मी नहीं डर रही है, चढ़ने में मम्मी बहुत डर रही थी। घोड़े वाला बहुत अच्छा था। हाँ घोड़ा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए नीचे गाड़ी चल, मतलब सीरियसली यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जैसे नॉर्मली होता है कि लोग पर लूटते हैं, ऐसा कल्चर होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरा यही छोड़ दो, मेरा छोटा बच्चा बन रहा गया तो बहुत कुछ सोचने लगे उसने, अभी कह राम ना हो कल हमारा ही राम ना हो जाएंगे, हमको यही लगने लगा हम नहीं जाएंगे पहाड़ पे। मम्मी अभी तो एक और प्लान है यार, क्या कर रहे हो, ये प्लान खत्म हुआ, एक और है मनाली, नहीं मनाली नहीं नहीं जाएंगे, अरे अभी बहुत सारे प्लान है मम्मी, कैसे कर रहे होंगे, नहीं दोबारा नहीं आना है बेटी, अंदर जाके मजा आया लेकिन घोड़े पे लगा के अभी फेंक देगा मुझे नीचे। अरे हाँ घोड़े का ये असली एडवेंचर, तो चढ़ लगा कि हार्ट फेल हो जाएगा मेरा तो, ऐसा लग रहा है। और जिन जिन ने घोड़ा छोड़ दिया है ना वो अटके हुए अभी तक, वापस लाया बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा था घोड़े वाला, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था वो पहुँचाया, लड़का तो बहुत अच्छा था भैया, तो मम्मी का हार्ट अटैक हो रहा था, नहीं डर लग रहा था, कुछ नहीं होता कुछ नहीं। आगे हैं, यूज़ शूज़ पहन रही है अपना, सारा सामान हमने निकाल दिया है, और मैं बताऊँ हमारी जर्नी हुई एक नंबर, कारण क्या था, ये भैया, भैया अपना नाम बताइए, विजय राणा भैया का नाम है, और भैया की एक सर्विस है जो भैया दिल्ली से उठा लेते हैं पैसेंजर को, और यहाँ शिमला और क्या क्या घुमाते भैया, शिमला मनाली दिल्ली ड्रॉप, दिल्ली ड्रॉप भी कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी काफ़ी अच्छी, तो काफ़ी अच्छे रेट में है, तो मैं भैया का नाम नंबर डिटेल जो भी है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट करना, बहुत अच्छे नेचर के हैं, और काफ़ी मतलब सबसे अच्छी होती है ना दिक्कत कि हम लोग कहीं जाते हैं तो वेट करना पड़ता है, तो भैया के साथ कोई भी दिक्कत नहीं, आप कितना भी देर घूमते रहिए, कहीं भी घूमते रहिए, जब बोलेगा भैया तब आके आपको पिक कर लेंगे, तो भैया के लिए बिग शाउट आउट है, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा आप लोग। अब डिसीजन ले लिया गया है कि मम्मी कहीं नहीं जाएगी, जिस हिसाब से मम्मी ने आज किया है घोड़ों के साथ, तो अब हम चार लोग की रैली रहेगी, डैडी मैं मम्मी और डैडी मैं और दीदी अनकू, हाँ और मम्मी और सीधर घर पे रहेंगे, अब डब्बा मूसा बुल दे दो, मूसा बुल नहीं है रेड बुल है, उसको रेड बुल मूसा बुल में काम, मैं मूसा बुल मांग रहा हूँ, रेड बुल बोल रहा हूँ। सो गाइज आज का सफर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, अभी हमें शिमला सीरीज खत्म होती है। हाँ तो आज मम्मी ने हॉर्स राइडिंग करके मजा आ गया, बहुत मजा आया ना, और डैडी का एडवेंचर देख के तो मजा ही आ गया, नेक्स्ट लेवल पे, डैडी का हमने ये रूप नहीं देखा था आज तक। तो आपने इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें, और सबसे बेस्ट पार्ट बताएं, कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस पूरे व्लॉग में, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।